Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. टीवी शो नीम की मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभाने वाली रीता बादोड़ी की मंगलवार सुबह मौत हो गई है। वे पिछले 10 दिन से आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टरों के मुताबिक किडनी खराब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वह पिछले कुछ समय से इस बीमारी से जूझ रही थी। रीता बादोड़ी ने टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। एक्टर अमित बहल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, रीता जी पिछले 10 दिनों से सुजुई अस्पताल में थी। राजी एक्टर शिशिर शर्मा ने इस दुखद समाचार की जानकारी फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके दी। उन्होंने लिखा, हमें यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि रीता भादोड़िया भी इस दुनिया में नहीं रही। उनकी अंतिम यात्रा 17 जुलाई को अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा रोड स्थित क्रीमेशन ग्राउंड मंगलवार को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। बहुत दुखी हूँ, हमने एक अच्छे इंसान को खो दिया। 62 साल की उम्र में रीता भादोड़िया टीवी की दुनिया में काफी एक्टिव मानी जाती थी। वह अपने सीरियल नीम की मुखिया की शूटिंग पर अक्सर समय पर पहुंच जाया करती थी और खाली समय मिलने पर वहीं आराम किया करती थी। रीता नीम की मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभा रही थी।